Hey, hi, welcome to another fun vlog, another vlog of another Teej. जो लोग मेरी चैनल को पहले देखते आए हैं दे नो आई एम sort of a little bit obsessed with Teej. मुझे बहुत अच्छी लगती है. मुझे त्यौहार क्यों पसंद है आई हैव नो आइडिया, बट मुझे बहुत पसंद है. मे बी ये शिवजी से रिलेटेड है, शायद इसीलिए इट हैज़ सम कोरिलेशन विद इट. सो आई डिड अ बंच ऑफ शॉपिंग. एक्चुअली बहुत सारी शॉपिंग मैंने आज, क्योंकि मुझे सिर्फ दो चीज़ें खरीदनी थी, लेकिन क्योंकि मैं आशु बातें हुई ना हूँ या मैं वो लड़की हूँ जिसे शॉपिंग पसंद है, मैं अकेले गई एंड मैंने बहुत सारा सामान खरीदा. उनमें से एक ही लिप कलर है एंड दीज जो कि तुम कल देखोगे. एक ना मुझे मार्केट में बड़ी क्यूट सी चीज़ मिली और वो था ये ऐसा बोल रहे थे वो लोग, ये भाभी को जो बनती है ना राखी, ये वो है. आई डोंट हैव अ भाभी येट, तो ये मैंने अपनी मदर के लिए लिया है बिकॉज इट इज़ सो क्यूट, इतना सॉफ्ट है. आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरा ना कार्ड फुल हो गया था. सो वेयर वाज आई, वेयर वाज आई, वेयर वाज आई. आई हैव डन अ लॉट ऑफ शॉपिंग और मैंने, मुझे लगता है कम से कम 10 साल बाद लोकल मार्केट से अपने लिए दो डेनिम खरीदी हैं. एक नहीं, दो डेनिम, यस, बिकॉज द स्टाइल आई वॉन्टेड इज प्रिटी एक्सपेंसिव इन ब्रांड्स. सो एनी वेज, मेरे से रहा नहीं गया इस बार देख के. एवर सिंस आई वॉकड इन है ना, हर वो चीज़ जो आप ब्रांड में देखते आते हो ना, वो बस सामने ऐसा डिस्प्ले में लगी हुई है ना, इट्स लाइक आई फोन. बात तो बात हो जाती है, बाद में क्या देखना, अभी देख लो. डाइग्रेस नहीं करते हैं. मेन चीज़ थी, मुझे मेहंदी के कोन लेने थे, अपने लिए एयरिंग्स लेने थे, क्योंकि कल तीज का सेलिब्रेशन है ऑफिस में. हालांकि तीज जो है वो संडे को है, आज ये रिकॉर्डिंग जो है हम फ्राइडे को कर रहे हैं, लेकिन संडे को कैसे ही आएंगे हम ऑफिस, सो सेलिब्रेशन सैटरडे को है. सो कल बी प्रिपेयर्ड हम सबको ऐसा ग्रीन ग्रीन कपड़ों में देखने के लिए. आई एम एन आर्डेंट एब्सोल्यूट लवर ऑफ मेहंदी, सो मैंने अपने लिए 3 मेहंदी के कोन खरीदे हैं. आई एम गोइंग टू अप्लाई इट. मेरा बड़ा मन था आज मार्केट में लगवाने का, बट फिर मेरा सामान कौन उठाता, बिकॉज आई वेंट अलोन. तो सिंगल लाइफ, हैशटैग सिंगल लाइफ. तो अभी क्या ना, मैं तुम्हें ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ. लिपस्टिक्स ये वाली ली है मैंने, यहाँ पर डाल दी हुई है, जो इसका नाम न्यूड लाटे है. दिस इज़ बाय एलेटीन, नहीं एलेटीन नहीं, दिस इज़ बाय लैक्मे. जो दूसरा शेड है मुझे लगा कि मैं इसी रेंज से खरीद रही हूँ, बट इट वाज़ बाय एलेटीन आई गेस, मुझे बाद में पता चला. आई बॉट माय मॉम कॉटन का सूट, बहुत ही सिंपल सा सूट है बट मुझे बहुत प्यारा लगा है कलर कॉम्बिनेशन. मैंने इसके लिए 1/2 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, ताकि मम्मी का कोई दुपट्टा ले के. ये वाली हील्स ली हैं मैंने, आज डिलीवर हुई हैं, थैंक गॉड ये आज आ गई, क्योंकि मुझे चाहिए थी. आई डिडंट हैव एनीथिंग वाइट, मैंने पिछले वाइट सैंडल पहन के मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, तो आई कांट वेयर देम टुडे. जो मैंने कुर्ता पहना है ना, उसके साथ मॉडल ने भी सफ़ेद ही पहना हुआ था, हालांकि वो मैच नहीं होता, बट समहाउ इज लुकिंग ओके. सो हम भी वही स्टंट पुल ऑफ करने की कोशिश करेंगे, फिर लेट्स सी क्या बनता है. या एंड अब मैं इतनी एग्जॉस्टेड हूँ ना, कि मेरा ऐसा जिम जाने का शेकी सा हो रहा है साथ के साथ, बट आई विल गो, आई विल गो बिकॉज आई एम अ गुड पर्सन. व्हाट एल्स, डेनिम्स वगैरह दिखाऊँ क्या तुम्हें, बोर करूँ क्या? बट नहीं, ये तीज कब लोगे, ये कुछ और ही बन जाएगा फिर. जैसे जैसे मैं उन्हें पहनती जाऊँगी ना, मैं तुम्हें बताती रहूँगी कि ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी. ठीक है, कल मिलते हैं, सोने सोने बन के. मतलब डी डे, जिस दिन के हमने तीज की सेलिब्रेशन रखी है, एंड दिस इज हाउ आई डिड. आई नो बहुत ज़्यादा कमाल भी नहीं है, बट बहुत बुरा भी नहीं है. फिंगर्स पे मैंने लिटरली पोची की है, बिकॉज मेरा मतलब मेरा स्टेमिना खत्म हो गया था बिल्कुल लगाने का. एनीवेज अभी मिलाते हैं आपको सबसे, एंड दिस इज हाउ वी आर लुकिंग. मेरा फेवरेट कुर्ता, सो थोड़ी इज्जत तो बनती है.
कैसे दिखाया जाए यार, छोटे लेंस, छोटे यूट्यूबर, लो बजट इन्फ्लुएंसर। फर्स्ट वीक एंड फर्स्ट तीज। थैंक यू। ये लोग भी नहीं आए मेरे ब्लॉग में ना कभी। हेलो सिद्धार्थ सर, हेलो बोलना। थैंक यू। हेलो। हेलो। मुझे तीज ना बड़ा हैप्पी हैप्पी सा त्यौहार लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें करने के लिए ऑफिस में जो करा जा सके। वैसे इस दिन लोग झूला झूलते हैं, व्रत भी रखते हैं, ग्रीन कपड़े पहनते हैं, ग्रीन चूड़ियाँ पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, घेवर खाते हैं जो मैंने आपको दिखाया, फिर नहीं खाते हैं जो हम अभी खाएंगे लंच के बाद। लंच बहुत लेट हो गया बिकॉज पूरे दिन बारिश हो रही थी। एंड दैट्स ऑल। एंड आई जस्ट पोस्टेड अ रील ऑफ दिस आउटफिट, यहाँ तो तुम्हें दिखा नहीं पा रही मैं अच्छे से, तो जाके वो चेक कर लेना इंस्टाग्राम पे। दैट्स व्हाई हैपेंड। प्लीज मैम जल्दी चल, प्रोग्राम तो हमारा था अभी घेवर फिर नहीं खाने का, लेकिन देन टी, तो पहले हम चाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद खा लेंगे फिर वो, है ना। हर चीज की ना लिए आजकल रील की साउंड आ जाती है, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, कुछ कान में बज कर देख लिया। हमने पूजा मैम को कहा है कि वो सर्व करेंगे सबको, सॉरी संदीप मैम को कहा है, और सब लोग ना 45 मिनट से वेट कर रहे हैं। मुझे अपने मेहमानों को पता क्या कह रही है, मेरे मेहमानों को पता खाए कोई नहीं जाएंगे। बोलो हैप्पी तीज। अभी हमने बोला नहीं है ना, सामान मिल जाएगा ना हमें तब बोलेंगे हम हैप्पी तीज। सब सर राम भरोसे की वो है, उससे पूछा था देसी घी वाला है कि सिंपल वाला है। वो तो दो बताए थे ना उसने, एक तो मीठे वाला कह रहा था, एक कह रहा वो फ्लेवर वाला, मैंने बोला ये ये दो नहीं, वैसे दो होते हैं उनके पास, हर किसी के पास एक देसी घी वाला और एक वैसे वाला। दोनों में डलता देसी घी नहीं, नहीं सर मैंने इस बार इसीलिए नहीं बोला था कि देसी वाला लाना, क्योंकि मेरे को कुछ बच्चे यहाँ पे नहीं खा, ये कचरा तो छोड़ दिया ये घर ले दे। जिसका कम है ना उन पे एक्स्ट्रा डाल दे। सिमर देख ले किस किस पे काम है। तो मैं सबसे पहले चिच चिच करा था। अब मुझे देखना मैं ज्यादा वाला देख के ले लूं तो। और कोई ऐसा चिटिंग करेगा। बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से खा लिया उसको। स्वीट टाइम नाउ। शुभम सर ना ही देखें इस फुटेज को, तो अच्छा। ना हमने खा लिया। मैंने थोड़ा सा भी जान करूं क्या क्या। ये बार तो सबका ही था, खाया नहीं तो देख। बताओ ना यार। बताओ आप बताओ खा लिया। तू लेके गई थी ये नहीं है तो टेबल टेबल वाला मैम। ये आज का मुंह देखिए, इन्होंने अपनी जान में प्रैंक किया था इन्होंने। नहीं वो तो उसी का था। दिख रहे हैं सब नहीं
किसी ने गा लिया, इट्स ओके यू विल कीप ईटिंग एंड स्टिल बी इन फ्रेम, इट्स ओके मैं भी खा रही हूँ, कुछ नहीं है, दिस इज दी एंटायर गैंग, हम आपको बस हैप्पी ईद बोलने वाले हैं, कुछ अलग नहीं होने वाला, चलो बोलेंगे सब लोग हैप्पी ईद। So, yeah, ये थी हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छा गया आज का दिन, मेरी कल RCT होनी है, सो आई पर्पसली ट्राई टू इन्जॉय कि हाँ मैं इन्जॉय करूँ दिन को, थोड़ा सा ओवर ड्रेस करूँ, सो आई होप आप लोगों को अच्छी वाइब्स आई होंगी इस व्लॉग में से, एंड आई विल सी यू गाइज विद न्यू वीडियो वेरी सून, या आई शुड बी लुकिंग फॉर यू नाउ एंड देन।